सो गाइज वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज दुकान पे आते ही हमें सरप्राइज मिला है, किसी ने सारा कूड़ा हमारी दुकान के आगे रखा हुआ है। पता नहीं कौन है वो शातिर, तू तो नहीं है सुबह उठ के कहीं जल्दी आ गया हो और ये कर गया हो, इतना टाइम नहीं बहुत प्यारी है ये साफ करना पड़ेगा। और मम्मी पड़ोसियों से पूछ रही है ये हाल किसने किया है, किसने किया ये आपने तो नहीं किया, ये पूरा साफ करने में एक घंटा लगेगा। अरे इसमें क्या कह रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी तो हो ही रही है भाई, स्ट्रगल चल रहा है लाइफ का। पता चला किसने किया, चलो कोई नहीं टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा साफ। दूर का इधर रखा किसी ने, ऐसा हो सकता है किसी ने साफ सफाई करके जिसका बोर्ड है उसकी दुकान के सामने रखा हुआ तो पता नहीं किसकी रंजिश है ये। चलो जी दुकान खोलते हैं, गत्ता बेच के आऊं। चलो जी गत्ता भी दोस्तों बहुत सारा है, अभी अंदर भी है वहाँ पे जो रखा है, उन्होंने अंदर से भी निकाल के बाहर रख दिया ना। चल चढ़ जा ऊपर रख के, ये फैमिली वेयर ना, ये तीनों फोटो वाला आगे की पोर्शन रखियो, आगे की साइड रखियो। हाँ उल्टा उल्टा उल्टा, अरे वैसे लगा वैसे लगा, अरे कर तो। हाँ ये पोर्शन लगा इस साइड, पीछे की साइड का। हाँ सही है सही है सही, और दोस्तों फटाफट से सामान निकालते हैं, ये पूरा सामान हमें बाहर टिकाना है और फिर झाड़ू मारना है यहाँ पे। और मम्मी एक गत्तों की पॉलिथीन ले आई है कट्टा, जिसमें हमें गत्ता डाल के बेच के आना है। उम्मीद करते हैं आज अच्छे पैसे मिलेंगे गत्ते बेचने के। और ये हमारी 3-4 दिन की सेल का गत्ता निकला है इतना सारा, गत्ता उठाए गत्ता बेच के पहले सुबह सुबह गत्ते की बोनी करके आते हैं। ये वाला साफ मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं मैं करूंगा ना साफ, आप क्यों करोगे। ये वाला हाँ, ये जो गंदगी है मैं इसे साफ करूंगा। और ये हमने पूरा साफ कर दिया, अब हमारे कूड़े बेचने की बारी है। दो पूरे तैयार है पिनिया, फैलाए कोई और करे कोई और कोई नहीं जो कर, क्या कह रहे हो, जो करता है मरता है, याद उल्टी उल्टी बोल दी है, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया मम्मी ने कहावत, मम्मी कह रही है जो करता वो भरता है। इसका मतलब हमने किया, हम भी भर रहे हैं। और दोस्तों दुकान पे ना ये वाला जो पोर्शन है जिसमें हमने लड़कियों की ड्रेसेस वगैरह रखी हुई हैं, ये पोर्शन खाली हो गया है काफी हद तक, तो अब जो माल आएगा वो इसी का ही आएगा, क्योंकि नीचे लड़कों का तो अभी तक भरा हुआ है बट ये पोर्शन काफी हद तक खाली है। तो अगला माल जो लाऊंगा वो लड़कियों की ड्रेसेस लाऊंगा शॉर्ट्स वाली। और हम कबाड़ी पे पहुंच चुके हैं, अपना तामझाम लेके देखते हैं तोलते हैं कितना निकलता है गत्ता नापना। दोस्तों गर्मी इतनी हो रही है, हमने रोब जब पिया अभी अभी, हर जगह आज ये रोब जब बढ़ रहा है। कितने रुपए मिल गए कट्टे के? आज मिले 50 रुपए, 30 रुपए पेंडिंग है अभी भी पेंडिंग है। हाँ 30 रुपए बाद में दे देगा, इतना सारा गत्ता था साला, फिर भी वहाँ जाके देखो तो 6 किलो निकला। और दोस्तों फिलहाल सब सफाइयाँ करके सो गए हैं, दुकान की काफी सफाइयाँ की है सबने, अकेला मैं हूँ जो नहीं सोया, बाकी मम्मी और शुभम सो चुके हैं। ब्रियन तुम लगाया? ना नहीं। तुमने लगाया रूह अफ़ज़ा? ना वहाँ कितना कूड़ा तूने फैलाया? नहीं फैलाया, चाटा मारा। तूने फैलाया था क्या? तो जब तेरे से पूछ रहे थे तू मना क्यों कर रहा था? तो सबके वो बोर्ड बोर्ड हटाए हैं तो तूने ही तो हटाए हैं। चल कोई नहीं, कोई नहीं सफाई होगी, मैं तो रोज उसे कह रही थी वो करता ही नहीं, अभी तो पी के आया था तू ये। चलो ये आते ही सबकी नींद तो खुली। और दोस्तों लाइट चले गई है, इन्वर्टर भी हमारा बोल गया है, हम देखते हैं संडे का आज दिन है, देखते हैं कैसे गुजारा होता है, पूछ के आता हूँ सबकी लाइट गई है या हमारी लाइट गई है। लाइट गई हुई है क्या? दोस्तों संडे का दिन है, संडे वाले दिन ही लाइट चल जाती है, यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है,
दोस्तों लाइट ना हो तो कस्टमर की ज्यादातर कोशिश ये होती है फटाफट से वो सामान ले और भागे, और हो सकता है कस्टमर को कुछ ज्यादा भी लेना हो बट वो ले नहीं पाता क्योंकि उसे गर्मी लगती है, जैसे फिलहाल मुझे लग रही है। और अब मैं धीरे धीरे पसीने में पूरा नहा जाऊंगा, कोशिश हमारी ये है कि जल्दी से जल्दी लाइट आ जाए। और मेरा खाना आ चुका है, इतनी गर्मी में मुझे खाना भी खाना पड़ेगा। इन्वर्टर बोल गया, बोल गया बेटा, बोल गया, लाइट नहीं आ रही। और दोस्तों इतनी गर्मी में मैं खाना तो खा नहीं पाऊंगा, तो फिलहाल मैं खाना मैंने साइड में रख दिया है। फिलहाल मैं जो पीऊंगा वो पीऊंगा मट्ठा, क्योंकि ये मुझे कूल कूल रखेगा। और ये मम्मी ने भेजा है खाना, मम्मी थोड़ा आराम करके आएंगे, फिलहाल इसे पूरी बाल्टी को ख़त्म करते हैं और खाना जब लाइट आएगी तब खाएंगे। और दोस्तों फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली है, लाइट आ चुकी है। खोलते हैं टिफ़न अपना, और खाने में आज हमारे प्याज चटनी दाल और रोटी, ख़त्म करते हैं इसे फटाफट से। और शुभम फिर सो गया, कम से कम लेता है 160-170 रुपया। आपका मोजी कितना लेगा नहीं लेगा आपका मोजी, मेरे को पता नहीं है। चलो 200 डील डन हुई 200 पे। और क्या पी रहा है दोस्तों? फिलहाल अभी हमने ऑर्डर दिया है, एक ब्रांड है जो कि है अक्षिन, जिसके हमने ऑलरेडी कैप्री ऑर्डर की हुई है, इसी का माल अभी हमने ऑर्डर किया। क्या क्या ऑर्डर किया जल्दी बता। दो लोअर और एक कोट सेट। कोट सेट जो कि उसने जबरदस्ती करवाया है। जबरदस्ती नहीं, माल मुझे ठीक लगा तो मैंने ऑर्डर करवा दिया, क्योंकि लोअर हमारे पे खत्म हो रहा है माल। और फिलहाल अभी हमने ऑर्डर किया है 15,000 का। 15,000 का कर दिया, इससे ज्यादा नहीं होगा? नहीं कम का है। राहुल इतना मत खर्चे चढ़ाई जाता। चलो ठीक है। वो दुकान कुछ इस तरह फैली हुई है दोस्तों, फाइनली हम जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा रहा दिन हमारा है संडे का, थैंक यू गॉड। मतलब एक कस्टमर ही करा गया जो कराना था। ये सामान हम फटाफट से अंदर रखते हैं, दुकान बढ़ाते हैं और मिलते हैं आपको घर पे। और दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं, पापा ने हमारे लिए वेलकम ड्रिंक बना के रखी थी रोज़ा, और मम्मी आते ही काम पर लग गई है खाना बनाना। मैं कभी कभार लगता नहीं आप कुछ ज़्यादा ही मेहनत करते हो? नहीं, पर मेरे हिसाब से आप कुछ ज़्यादा ही मेहनत करते हो। दोस्तों हमें प्यार तो दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं थोड़ा बहुत प्यार भी दे दिया करो। चलो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग के साथ आपको कल।